welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So today is going to be a very special vlog because I'm going to Alibag with my two cousin sisters, and we are going on the only cousin sisters trip. No parents, no one, just us three are going. So it is going to be yet another fun vlog, and I thought let's just take you guys along with me here as well, see how this turns out. Now we are going to station and then we'll be going to the Gateway of India. So saman hai bahut, to pata nahi main station pe shoot kar paungi nahi kar paungi, jaisa bhi rahega update main aapko deti rahungi. So let's begin. Okay guys, so finally main train mein baith chuki hu and we are going to chalte hain. Say hi to Sapna. Aapne usse already dekha hoga pichle vlog mein, bahut sare vlog. Yeah, bahut sare vlog mein. Wo wahi update dena tha ki hum train mein baith chuke hain and now हम आपको मिलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया व्लॉग पर. जैसे मैंने बोला कि मेरी और एक कजिन सिस्टर आने वाली है जो वहाँ हमें ज्वाइन करेगी गेटवे पर, तो उससे भी आपको मिलाऊंगी. गेटवे ऑफ इंडिया. ओके गाइस, सब हम लाइन में आ गए हैं अलीबाग के फेरी टिकट के लाइन में. हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच गए हैं एंड यहाँ पे बहुत लाइन है, तो हमें बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस धूप में कुछ करने का. अगर आपको अलीबाग जाना है तो ऑनलाइन बुकिंग कर दो. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके इतनी धूप में? सनबर्न. नो, यू आर नॉट येट सनबर्न, बट हम काफी स्ट्रगल कर रहे. वी शुड बी गिवन एन अवार्ड एट दिस पॉइंट ना. तो अभी हम जा रहे हैं, लेट्स सी. डू यू वांट टू से एनीथिंग? बस टिकट मिल जाए 2 बजे का, देखते हैं. 2 बजे की फेरी का टिकट हमें चाहिए और वो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है. वैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया. हम लोग आते ही हम लोगों ने फोटोज भी नहीं निकाले है ना. हाँ, कुछ भी नहीं किया, लाइन में ही खड़े हो गए. बिकॉज हमें पता ही नहीं था, इतनी बड़ी लाइन देख के हम लोग डर गए. यहाँ मैं दिखाती हूँ, लाइन स्टार्ट होती है और पूरी पीछे तक वहाँ तक लाइन है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द लाइन? इंडिया का पॉपुलेशन इतना क्यों है? ये इतना ही नहीं है इंडिया का पॉपुलेशन. कम होता तो लाइन कम होती. फट. नो 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 नो, शी इज मेकिंग नो सेंस राइट नाउ. चलो दे, चल हम शिप पे जाके आपसे मिलेंगे. आतंकवाद बोला वो ना, जा काली करे आतंकवाद बोला. ए आजा आजा अली बाबू. हेलो, फाइनली रोड के. हेलो ए, अरे आजा 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 उतर लगे उतर लगे अरे लगे उतर. फेरी में है एंड वी आर गोइंग टू अलीबाग एंड वी आर ऑन द अपर डेक. से हाय, शी इज माय अदर कजिन सिस्टर भाग्यश्री. से हाय. हाय. सो हम दिखाते हैं, हम अपर डेक में आए अभी. इट्स ब्यूटीफुल राइट? हैव यू गाइस क्लिक पिक्चर्स? या या. सो दिखाती हूँ मैं. शूटिंग में शूटिंग आ गया.
हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मांडवा फोर्ट। कैसा लग रहा है वेदर? कैसा फोटो काट? एक मिनट। सो अब हम बस लेके जाएंगे हम लोग के होटल के वहाँ पे। सिर्फ यही अपडेट देना था कि हम लोग पहुंच गए और हम लोग का वजन उठा उठा के एनर्जी इज वेरी डाउन। या सो आई मीट यू आफ्टर आई रीच द होटल। ओके गाइस, तब हम बाहर जा रहे हैं एंड यहाँ पे ऐसे स्टारबक्स वगैरह भी है, तो आपको अगर रुक के कुछ करना होगा तो आप कर सकते हो। और यहाँ से ही हमें बस पकड़नी है टू स्टॉप जो हमारे होटल के नियर बाय है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो इट्स ऑलमोस्ट कितने बजे लगता? 6:20। ओके सो इट्स ऑलमोस्ट 6:20 एंड वी आर गोइंग टू अलीबाग बीच जो हमारे होटल के बहुत नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। हम लोग के रूम से दिखता है, बाद में दिखाऊंगी, बट अभी हम जा रहे हैं अलीबाग बीच टू क्लिक पिक्चर्स एंड ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। हाउ यू फीलिंग? वेरी नाइस। यस, पीपल हैव चेंज्ड देयर आउटफिट्स बाय द वे फॉर द बीच। I haven't. Sampada is wearing all Christmassy outfit. How are you feeling? Aesthetic. Must. So, वहाँ पे पीछे चलो. Okay, so we're just figuring out कहाँ से जाना है. इधर तो रहती है आसान. मैं मना चाहूँ मैं कुछ नहीं चाहता. आई क्या? बीच पर हम चलते जाओगे ना? मैचिंग ब्रेसलेट्स पहने। सी यस, ये हम लोग फोटो वीडियो खींचने वाले उसका भी। दिस इज लाइक आवर फर्स्ट बीच राइड इन अलीबाग। फर्स्ट ट्रिप एवर विद कजिन्स, विदाउट फैमिली। विदाउट फैमिली, थ्री पीपल, three girls, three cousin sisters. But can you see Sampada's outfit? It's all Christmassy. Don't you think you're looking very Christmassy? Christmas tree nahi na lag. Christmas tree nahi, Christmassy vibe you're giving. No, you're not looking like a Christmas tree, don't worry. Kahan se jana, kahan se beach pe? Yahan pe stalls bahut hai Alibag beach pe. Aise entrance pe yahan pe aise stalls hai. दिखाती हूँ मैं। Cannot explain in words.
one last thing for the beach. So, अब हम अलीबाग बीच पे खा रहे हैं शेवपुरी और यहाँ से लाइट अच्छा आ रहा है तो हम शेवपुरी खाने वाले हैं। फोटो काटना हाँ बट सी मैं को वीडियो की पड़ी है और इसको फोटोज की पड़ी है। प्लीज वी वांट अ गुड फोटो बिकॉज़ इट्स नॉट हैपनिंग दैट वी हैव नॉट टेकन सो मेनी फोटोज एंड आई वांट गुड मेमोरीज विद माय सिस्टर्स। वीडियो से भी मिलेगा पर बढ़िया यही बताना था कि हम लोग शेवपुरी खा रहे हैं। नाउ विल क्लिक पिक्चर्स एंड कम बैक। Guys, it's 6:50 in the morning and it's the second day. आप देख सकते हो मेरे पीछे इट्स ब्यूटीफुल। यू वांट टू से समथिंग? हम लोग सनराइज के लिए बिना सोए थके हारे जा रहे हैं बट नाउ द मूड हैज चेंज टोटली। या मेरे पीछे ही देख सकते हो आप, लुक एट दैट, माय गॉड। तो हम वही बीच जा रहे हैं अलीबाग बीच जहाँ पे हम कल गए थे, पर हम लोग इसे तैयार व्यार होके नहीं जा रहे, ऐसे ही जा रहे हैं, बस सनराइज देखने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का पूरा डे का प्लान फिक्स है क्योंकि काफी हेक्टिक सा है। डू यू वांट टू से अबाउट दैट? आई होप इट वर्क्स। या आई होप इट वर्क्स टू। इट्स टू कोल्ड। सो ठीक है, और अभी हम लोग में वैसे वो जाग गए कि मैं जाना ही है, सनराइज देखना ही है। सो नहीं, सो एवरीबॉडी वोक अप एट 6 टुडे विद ओनली 1 अलार्म। स्नूज भी नहीं किया हमने ना, क्या किया? मेरा तो एक ही 6 बजे मैंने एक किया 5:45 का। नहीं तूने मुझे बोला ना 5:50 क्योंकि सो जाते हैं 6 बजे उठेंगे। सो आई स्लेप्ट अगेन। गाइस आई विल शो यू अराउंड, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग है इधर। ये देखो पूरा, हम लोग कल भी आए थे बट लुक एट दैट, ओ माय गॉड, क्या करूं मैं, ये लोग मेरे लिए रुक रहे नहीं है। गाइज वेट, आई वॉज टेकिंग दैट सीनरी का फोटो। हम कल जैसे ही बीच आ गए थे, कल रात को था तो दिखा नहीं होगा। दिस इज अलीबाग बीच यू गाइस, आई नो राइट? गाइज जस्ट लुक एट दिस, गाइज यू वांट टू से समथिंग? संपदा कसा है तुझावर काय, तेरे ऊपर मस्त सन ये आ रहा है थोड़ा ऐसे सन का, तू भी आ जाए इधर। या हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आई एम फीलिंग सो गुड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। या लुक एट दिस मैम, कलर्स किधर भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। It's 6:50, 5 something in the morning and this is the view we came for. अगर ये देखना है ना तो अब भी इसे टाइम पे आना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ संपदा, ये देखना है तो इसी टाइम पे आना पड़ेगा वरना यू विल मिस इट। उसके लिए ऐसे बीच के, मतलब कोई भी बीच के ना, तुम लोग कोई भी बीच के नज़दीक रहोगे ना तो तुम उस बीच पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे जा सकते हो। हम लोग फोटोज में बिजी है तो कुछ बोल रहे नहीं है लोग, लुक एट देम जस्ट एंजॉइंग फोटोज। अच्छा ठीक है, हम लोग निकालते हैं, मैं आपको सनराइज का भी दिखाती हूँ एंड लेट्स सी, कुछ अपडेट होगा तो मैं आऊँगी जरूर बताने। बढ़िया, मैं आपको इधर का भी कुछ स्निपेट दिखाती हूँ फॉर श्योर। एंजॉय गाइज बिकॉज दिस इज वेरी ब्यूटिफुल।
सो सनराइज हो रहा है तब तक कुछ बोलना है? बहुत प्रिटी है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग जाग जाग के बीच पे पार्टी भी करते हैं. दिस इज सो मच मोर वर्थ देन रात को जग के पार्टी करना एंड सोना. ये रियल हाइप होना चाहिए बीच. मतलब आई टोल्ड देम कि कोई बीच के नज़दीक वाला ही होटल तुम लोगे तो यू कैन गो फॉर सनराइज एंड सनसेट. सो दैट इज इट्स हार्ड टू कैच अप विद द टाइमिंग्स बिकॉज़ हम लोग अभी कुछ नहीं किया हमने, बस हम कितना कितने बजे 6 बजे उठे और अब आए बस. इट्स दैट इजी. आई शो यू पानी का स्निपेट ऑल्सो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. हम कल यही आए थे बट रात को आए थे. But this is the beach. And all of the waking up early worth it hai hua hai na, warna aisa lagta ki kyun uthe par abhi aisa nahi lag raha. It's good that karu jata nahi uthna, kal to hum nahi uthne wale hai, kal hum log ka check out hai. So आज ही टाइम था एंड वी डिड इट. संपदा इज तो वॉचिंग ऑन द सनसेट फ्रॉम व्हेन. सन को बोलना चाहिए. सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी. सो ट्रू. हमने कुछ नहीं किया, हम लोग बस उठे, ब्रश किया एंड नीचे आ गए. एंड ऑल्सो वर्थ. अब हम वापस जाएंगे, तैयार होएंगे एंड देन फिर निकलेंगे. एंड वी आर गोइंग टू गो टू कनकेश्वर टेम्पल. तो जैसे मैंने दापोली में किया था ना, थोड़ा सा वो ट्रैकिंग था अच्छे ट्रीज में, वैसे ही वो होने वाला है. एंड शी इज अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट इट बट लेट्स सी हाउ इट गोज. या सो वी आर गोइंग टू दैट. सो मिलते हैं अभी कोई अपडेट होगा तो. ओके गाइस, हम लोग बीच के बाहर ही ये स्टॉल है, यहाँ पे वी आर हैविंग पोहे. बिकॉज ओ माई गॉड, जब देखा था ऐसा होगा कि यहाँ पे ही नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं. बिकॉज what do you want to say? She's not going to say anything. She's like enjoying. मैं उसको तंग नहीं करूँगी, उसको बैठने देते हैं. मैं बस अपडेट देने आई थी कि हम लोग खा रहे हैं एंड देन वी गोना गो गेट रेडी एंड गो फॉर कनकेश्वर टेम्पल. संपद आएगी तो वो आपको बताएगी कि उसको कैसा लगा पोहा. हम उसका और भाग्यश्री का भी फीडबैक लेंगे. ओके गाइस, सो हम निकल रहे हैं टू कनकेश्वर मंदिर, राइट? एंड एवरीबडी इज रेडी, प्रिटी प्रिटी गर्ल्स. सो या अब हम कनकेश्वर मंदिर जा रहे हैं. सो वी आर टेकिंग अ रिक्शा फर्स्ट फ्रॉम आर होटल टू कनकेश्वर फाटा एंड देन उधर से कनकेश्वर मंदिर. सो लेट्स गो. तो हम लोग अभी नीचे हैं कनकेश्वर टेम्पल के एंड अब अभी जा रहे हैं चढ़ने के लिए. चढ़ते समय तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगी बट मैं दिखाऊंगी रास्ते में भी कैसा है. मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ. और गर्दी यहाँ पे बहुत है, मतलब ये पॉपुलर तो है तो आप आ सकते हो. मैं दिखाती हूँ ऊपर जाके भी आपको. Let her laugh because I did this thing.
क्या हुआ वो पता, हंस रही है तो सबको पता क्या हुआ. उसने स्लोमो में वीडियो रिकॉर्ड किया एंड इट वाज सो फनी. आई एम नॉट गोना अटैच इट दो बट ठीक है. सो आई वाज सेइंग बीटीएस दैट जैसे हम दापोली में केशव राज मंदिर गए थे वो भी चढ़ के ही जाना था, वैसे ही ये है पूरा ऐसे मस्त ब्यूटीफुल सा व्यू है एंड आपको चढ़ के आना जैसे मैंने दिखाया था स्टेयरकेस से. सो मैं मिडिल में रुक के फोटोज हम ले रहे हैं जैसे ये लोग अभी ले रहे हैं रुक के फोटोज, वैसे ही हम बीच बीच में रुक के फोटोज लेंगे तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी. मी टेक यू गाइस टुगेदर लेट्स गो. सो फाइनली हमारे फोटोज हो रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं फाइनली दे हैव अग्रीड जाने के लिए. लेट्स गो ऑब्वियसली वापस वो लोग फोटोज लेने लग गए हैं और ऑब्वियसली मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है. सो दिस इज बिकमिंग द रिचुअल कि वो लोग फोटोज लेने लग जाते हैं और मैं आपसे बात करने लग जाती हूँ. ये काफ़ी ब्यूटीफुल है आप आ सकते हो और धूप के पहले ही आना लाइक सुबह सुबह आना ताकि आपको चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा है ना. आई वाज टेलिंग देम कि आई गेट मौका मैंने मेरे पास क्लिक पिक्चर्स आपसे बात करने का. तेरे भी पिक्चर्स निकालते हैं हम लोग या मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं निकालते बट या आई वाज टेलिंग देम कि सुबह आना जल्दी सो दैट चढ़ने को मिलेगा वरना धूप में चढ़ना पड़ेगा. सन किस्ट टाइम पे आना, हम लोग सन बर्नड होने के टाइम पे आना. स्टिल वी ट्राइड अ लॉट. वैसे 9:30 बजे हम लोग निकल गए थे हमें आने में ही यहाँ पे बहुत टाइम लग गया 30-35 मिनट्स या और हमें पता भी नहीं था वरना हम लोग प्लान करके आते. वैसे प्लान ही किया था कल हमने रात को बैठ के इसलिए तो ये सब हो रहा है. यस गाइस तो यहाँ बीच में हम लोग चढ़ के थक चुके हैं. कैन यू टेल देम हाउ टायर्ड वी आर. बहुत टायर्ड बट बहुत मजा भी आ रहा है. आ रहा है. सो अभी यहाँ पे ब्रह्मा कुंड है मैं आपको दिखाती हूँ. ये भी तो बहुत गंदा हो गया. यू आर सेइंग हाँ मतलब कितना गंदा है हर जगह पोल्यूशन है. हम पहुंच गए हैं एंड दैट इज अ टेम्पल. Now we are at the Kihim beach and it's beautiful. Let me show you around and it's almost 4:20 right now and we'll be clicking pictures a little bit, shooting a video a little bit and a little bit. We are already in the water by the way, so we're going to do that a little bit and then we're going to go back to our hotels. Okay, I'm in the water you guys, can you see? Yes. There are these two people and the beautiful beach. We are chilling at the beach. Chilling at the beach. Chill vibes. Chill vibes. So yeah. Okay guys, तो ये हम लोग का लास्ट डे है. हाँ सब अभी लास्ट बीच जा रहे हैं
जाते जाते विच इज अगेन मैंने भूल गई बट परसोली बीच जा रहे हैं तो हमने कल वो कनकेश्वर का एक्सपीरियंस बताया नहीं था तो इसके लिए मैंने सोचा कि अब भी रिक्शा में ये कर देते हैं कनकेश्वर के बारे में मेरे लिए वन टाइम वर्थ मतलब वापस में अलीबाबा शायद मैं स्किप करूँगी लेकिन वन टाइम वर्थ है मतलब ऊपर जाकर मन टाइम बहुत ट्रैकिंग मतलब जबरदस्त ट्रैकिंग ऊपर का व्यू भी बहुत अच्छा बहुत अगेन आई वुड विजिट अगेन जिसको भी ट्रैक करना पसंद है बहुत ज्यादा हाँ रेनी सीजन में जा सकते और टाइमिंग का भी थोड़ा जल्दी जल्दी जाना सुबह सुबह जाना और जिसको ऐसे पीस ऑफ माइंड चाहिए हु वांट्स टू जस्ट यू नो रिलैक्स हैव देयर ओन टाइम नहीं मोस्टली जिसको ट्रैकिंग पसंद है और ऐसे हर्डल्स पसंद है वो कर सकते हैं पर जिसको ऐसे मतलब थोड़ा सा ट्रैकिंग पसंद है उसको नहीं आएगा बिल्कुल ही पसंद बट वन टाइम तो जरूर आना हाँ. एक बार तो जरूर आना अलीबाग आ रहे हो इट्स ब्यूटीफुल राइट या सो अब हम परसोली जा रहे हैं उसके बाद मांडवा जाएंगे मांडवा में रिसॉर्ट जाएंगे एंड देन फेरी से घर बैक टू बेंगलुरु सैड बाय द वे कल हमने कुछ मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया रात को बट वी डिड अ लॉट ऑफ फन हम लोग 2:30 तक जगे हुए थे एंड वी डांस मेड रील जो कि एक रील आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिखेगी जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी प्रमोशन महाराष्ट्र झांसी हमने लॉली के एपिसोड और आवली पावली हाँ वो एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन अभी भी वो ऐसे जाने का मन नहीं कर रहा ओके आई वॉन्ट टू आस्क यू बोथ दिस आई वॉन्ट टू डू इन एवरी ट्रिप एट द एंड ऑफ द ट्रिप आई वॉन्ट टू आस्क यू द फेवरेट पार्ट ऑफ योर ट्रिप सो यू गो फर्स्ट फेवरेट पार्ट वॉज ऑफ कोर्स कीम बीच आई जस्ट लव या इट वॉज ब्यूटिफुल इट वॉज सो पीसफुल मैं अभी कभी भी अलीबाग आऊँगी तो कीम बीच मिस आउट नहीं करूँ इट्स वेरी पीसफुल एंड वो बहुत बड़ा बीच है एक्चुअली इसके लिए एंड ऑल्सो बस क्रीम बीच दैट्स ऑल जितना कनकेश्वर की तारीफ करने के बाद दैट्स नॉट योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप इट इज माई फेवरेट पार्ट बट ऑफकोर्स वो कनकेश्वर जाने के बाद वो जो क्रीम में बैठने का मजा एंड कनकेश्वर एंड क्रीम आर लाइक नियर बाय सो यू कैन डू बोथ ऑफ देम टुगेदर कि कनकेश्वर करके क्रीम जाओगे तो भी चलेगा एंड आई रिकमेंड कनकेश्वर सुबह 6-7 बजे करना यू टेल योर फेवरेट पार्ट बस की अबाउट यू मेरा फेवरेट पार्ट वॉज वो सनराइज जो हम लोग ने देखा था ना अलीबाग में ओ माय गॉड व्हाट एस्थेटिक्स एंड व्हाट कलर्स दैट वाज सो प्रीटी मतलब वो आईज बंद करूंगी मैं तो मेरे सामने ही आ जाता दृश्य सीनरी सीनरी सो और लोग का टाइम कजिन टाइम वाज माय यार कल का नाइट कल का नाइट सीगल के डक्स हो रहे गाइस आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बट इट लुक्ड लाइक दैट है ना पहले सीगल थे फिर वो बैठ जाने के बाद डक्स बन गए एनीवेज तो हम अभी परसोली जा बीच जाके आपसे मिलते हैं एंड वी आर रियली सैड ये ट्रिप खत्म हो रही है बट टू मोर ट्रिप्स इन द फ्यूचर राइट ना नेक्स्ट ट्रिप वुड बी बड़ी वाली वी आर व्लॉग दैट फॉर श्योर And she's also gotten comfortable now. Yes. She's already comfortable. Abhi to wo to ye ho gayi hai. So yeah. Bumble sorry ji, jaake. Yes. Kariye. 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 Okay guys, तो हम आ चुके हैं वर्सोली बीच एंड वहाँ पे हम लोग अभी सी के थोड़ा नजदीक जा रहे हैं फोटोज वीडियोज खींचने वैसे पूरा भीगना तो है नहीं बिकॉज निकलना है वैसे भी तो
टाइम वाइम नहीं है, टाइम तो है बट विलिंगनेस नहीं है. मतलब हम कर सकते हैं, हमें करना है तो, बट अगेन इट इज़ लाइक कि वापस हमें जाना है खाना खाने के लिए, देन खाना खाने के बाद डायरेक्टली हम लोग फेरी में जाने वाले हैं. सो आई डोंट वॉन्ट टू गेट माई चप्पल्स वेट बिकॉज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, मैं नज़दीक से भी आपको ये बीच दिखा देती हूँ. इट्स अ वेरी प्रिटी बीच, लेट मी शो यू. एंड चलते चलते मेरा कैमरा इतना 2x हिल रहा है कि मैं क्या बोल भी नहीं सकती हूँ. प्लान था पहले कि सुबह सुबह चेकआउट करने, चेकआउट टाइम पे ही निकलने का एंड देन डायरेक्टली मांडवा जाने का, बट देन वे वाले कि इतने नज़दीक का बीच मिस नहीं करना चाहिए. इसके लिए हम लोगों ने बोला कि पहले हम ये करते हैं एंड बाद में हम लोग जाएंगे, एक बीच करके जाएंगे. और हम जितना जल्दी आ सकते थे ना, हम उतना जल्दी आए. अभी बज रहे हैं, एक मिनट में बताती हूँ, अभी 11:25 हो रहे हैं और दिस इज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ जल्दी हम लोग आ सकते थे, 11:25. अभी शायद 12 बजे तक हम यहाँ पे ही होंगे. 12 बजे हम लोग वापस जाएंगे मांडवा, वहाँ पे हम रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद मांडवा पोर्ट जाएंगे. ना बताना था मेरे को आपको, तो मैं ऐसे पीछे आके बात कर रही हूँ. हैव फन, शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस देयर एंड देन सेंड इट टू मी, आई विल इंसर्ट दैट. By the way, this is a very beautiful beach. तो ये हमने कल ही सोचा था करना, बिकॉज हम कल ही करने वाले थे एक्चुअली ये शाम को बीच. आज भी हम लोग का प्लान नहीं था जैसे कि हमने बोला जाने का, तो हम लोग स्किप करने वाले थे ये बीच, बट सच्ची में by God's grace अच्छा हुआ कि हमने ये बीच को स्किप नहीं किया. बिकॉज वन थिंग आई लव दिस बीच, such a beautiful and a pretty beach. ये लोग सभी फोटो खींच रहे हैं. मेरा हो गया है तो मैं बैग्स, क्योंकि हम लोग के बैग्स भी हम लोग के साथ ही आए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ से डायरेक्टली जाना है और चेकआउट था, तो ऑब्वियसली हम लोग बैग्स लेके ही आए हैं. बट दैट्स वाई किसी को बैग्स को भी देखना पड़ता है, तो हम लोग ने ऐसा सोचा कि दो दो लोग जाके आएंगे, फ़ोटो खींच के आएंगे एंड देन बैठ के एक जन यहाँ पे बैग्स को देखेगा. सो दैट वॉज इज हैपनिंग. एंड बाय द वे माई नेल्स आर लुकिंग ब्यूटिफुल, कैन यू सी, दीज आर माई बर्थडे नेल्स. सो या अभी तो मेरे को बहुत सैड फील हो रहा है कि हम, दिस इज़ लाइक द लास्ट बीच, लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ अलीबाग, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली मांडवा जा रहे हैं. यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट है, तो अगर आपको वाटर स्पोर्ट वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो. यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट है सारे. मेरे को बनाना राइड दिख रही है, मेरे को वो और एक ऐसे ऐसे सोफ़ा जैसे नहीं होती वो राइड जिसमें वो पानी के अंदर जाते हैं एंड देन वो मतलब वो बोट से बंधी हुई होती है, ऐसे सोफ़ा की तरह आपको ऐसे लेट के बैठना होता है उसमें, वो भी वहाँ पर है. एंड मेरे को पैराशूट भी दिख रहा है वहाँ पर, आप वो भी कर सकते हो. तो है यहाँ पे अच्छे खासे ये. आज भी हम लोग ऐसे मौके पे आए ना कि हम लोग वाटर स्पोर्ट नहीं खेल सकते. आई एम अ वाटर बेबी, आई कांट से कि मैं वाटर स्पोर्ट को इतना पसंद करती हूँ. मुझे बीच पे आना, ऐसे बैठना, पानी को देखना, पानी में जाके खेलना, खेलना मतलब पानी में जाके मतलब पानी में जाना, ये सारी चीज़ें पसंद है. तो वो तो मैंने किया है हर बीच पर. और या अभी थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, वो लोग फोटोज खींच रहे हैं तब तक, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ. ओके गाइस, सो हम अभी आ चुके हैं मांडवा और उस लाइक
मांडवा पोर्ट के नजदीक में ये रेस्टोरेंट है, क्या नाम है, फाउंटेन सिजलर्स करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम आए हैं और अभी मैंने मंगाया है। इसका कुछ नाम है, मैं वो लिख दूंगी स्क्रीन पर, अभी भूल गई हूँ, बट इट्स लाइक लीची लाइम समथिंग। ओके गाइस, सो हम लोग अभी मांडवा जट्टी के यहाँ पे आ गए हैं। हमने 3 बजे की फेरी का टिकट ले लिया है एंड वी आर हेडिंग बैक टू मुंबई। सो हम लोग अभी गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच चुके हैं। कैसा रहा ट्रिप? अच्छा था, वेरी नाइस। अरे अभी गोल्डन आर टाइप सन आ रहा है, बट हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, नॉट इन द मूड टू टॉक एट ऑल। सो यार, मैं आपको घर पे जाके से बाय टू हर, शी इज कमिंग विद मी, से बाय टू हर, बाय।